नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंदु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई सेल सिग्नल कम स्किनर बना है उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो कल के लिए मतलब 5 मार्च 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाई सेल बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। तीनों सेट ऑफ बाई लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा, पिवट पॉइंट दिखाऊंगा, इटरनल लेवल, बॉलिंजर बैंड, प्राइस चैनल दिखाऊंगा, 100 EMA स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, GMM स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा और कैंडलस्टिक पैटर्न इनसाइड द बार इन R4 N7 दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट, ऑप्शन चेन और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा बहुत सारे चार्ट का सेटअप है जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन एडुकेशन पर्पस, बहुत सारा चीज़ उधर अपलोड किया गया है। तो अब ये वीडियो बना के दिया है और भी बनाते रहूँगा, तो इसमें आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें ये बाई लेवल जो है इसमें इसको इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे एंट्री करना है, कैसे इस्तेमाल करके इसको आसानी से प्रॉफिट कर सकता है, कितना इफेक्टिव है, ये सब आप लोग को पता चल जाएगा। इसका सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक उधर मिल जाएगा और इधर व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में, और बहुत सारा व्हाट्सएप में कॉल भी, मेरा व्हाट्सएप कॉल्स भी रहता है, वो आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है, कुछ दिन के लिए आप देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग मेरा सर्विस भी ले सकता है। और जो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लोकल ब्लू एंजल ब्रोकिंग और आप स्टॉक्स में ज्वाइन हो सकता है, ज्वाइन करना चाहता है, और उधर से आप लोग लिंक के द्वारा ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने ये इधर तीनों सेट ऑफ बाई लेवल सेल लेवल दिखा रहता है और बहुत सारा स्किनर रहता है और बाई सेल लेवल 3 में अलग से फाइल बनाया है, उसमें वो भी शेयर करता हूँ। उसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो रिट्रेसमेंट का बेसिस पे इधर बनाया हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इधर शुरू करता है, इधर आप लोग डाने तरफ रहता है, सेल का भी ऐसा है, टारगेट वन इधर टारगेट 2 टारगेट 3 और सेल का एंट्री लेवल टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 रहता है। इसके बाद आएगा बाई सेल लेवल 3 ये है बाई सेल लेवल 3, इसका R1 बाई का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है और ये है पिवट स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप लोग नोट कर सकता है। इधर ये सब रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 S1 S2 S3 और इधर बोलिंजर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, एंट्री पॉइंट हो सकता है, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड नोट कीजिए, वो भी आप लोग का एंट्री ले सकता है, और टीरन लेवल का टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन ये भी आप लोग नोट कर सकता है, इसका भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दूंगा, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो वीडियो बनाया उसका डिस्क्रिप्शन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाई लेवल एंड सेल लेवल कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दिया न्यू फ्यूचर्स और फ्यूचर्स और इंडेक्स दोनों का, इधर तीनों सेट ऑफ बाई सेल लेवल भी दिखा दूंगा, पिवट पॉइंट भी दिखा दूंगा, इंजॉयमेंट टीरोन लेवल भी आप लोग को इधर से देखने के लिए मिल जाएगा। तो इतना सारा चीज़ लेके आप लोग बहुत ही स्टॉक मार्केट में मॉनिटर करने से आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो टाइम टू टाइम मैंने लाइव मार्केट में भी जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे, और इसके बाद कमोडिटी दिखाऊंगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, प्रीपेड सर्विस ले सकते हैं, लेना चाहता है उसको लाइव मार्केट में भी इसमें कॉल दे दूंगा, आप लोग कुछ दिन फ्री टाइम के लिए ज्वाइन हो सकता है। मेरा को एक्चुअली मैंने कमोडिटी सभी समय नहीं करता हूँ, ये लाइव मार्केट मतलब एंड ऑफ द डे देता हूँ, लेकिन कोई मेरे को इंटीमेट करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे कि मैंने कमोडिटी का लेवल देखने के लिए ज्वाइन हुआ हूँ, तो उनको लाइव मार्केट में भी दे दूँगा, अपडेट करके दे दूँगा, उसके बाद आप ले सकता है, सर्विस ले सकता है या नहीं ले सकता है वो आपके ऊपर है। और
और इसके बाद कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखा दूंगा, ये वाई लेवल और सेल लेवल दिखाता हूँ ऑनली। इसके बाद मैंने 100 डे मूवी एवरेज का स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। 100 डे मूवी एवरेज आज का कैंडल जिस जिस कैंडल आज का डेली कैंडल को जिस जिस स्टॉक्स का 100 डे मूवी एवरेज काट किया है वो अच्छा मूवमेंट कर देगा। ये जो भाई लोकल जो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट देगा। तो ये देखिए इधर बजाज फिनांस दिखाता है मैंने डेली, इसका जो जिस जिस कैंडल का काट करेगा तो उसका अच्छा मूवमेंट मिलता है, हाई लो जब ब्रेक करेगा। तो इधर देखिए कैडिला हेल्थ में हुआ है और इधर इक्विटास में हुआ है और इवन डबल हाउसिंग फिनांस ऐसे ऐसे बैंक मैंने अभी भी तो दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे बैंक को दिखा देता हूँ। देखिए इसमें काट किया है, इसका हाई लो जब ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो और नहीं दिखाता हूँ क्योंकि टाइम चल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर देख सकते हैं। और इसमें इंसर्ट द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4 से देखिए इसमें SEC में NR4 हुआ है, मतलब लास्ट जो तीन कैंडल आज का कैंडल छोड़ के लास्ट जो तीन कैंडल है उसका हाई लो का डिफरेंस जो है वो ये जो कैंडल है इसका जो हाई लो का डिफरेंस है और ये जो लास्ट तीन कैंडल का हाई लो का डिफरेंस है आज का हाई लो डिफरेंस सबसे कम है। तो इसका जो हाई लो ब्रेक होगा ये मतलब कॉम्प्रेस्ड होकर आया है, तो ये जो ब्रेक होगा तो ऊपर या नीचे जो ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। ये है इधर आप जो लोग जानते हैं उनको बोलने का जरूरत नहीं है, जस्ट दिखाने से ही पता चलता है। अपोलो टायर में हुआ है 2 डेज का हिसाब से इंसाइड द वार। तो देखिए ये जो आज का जो कैंडल है वो और ये दोनों कैंडल और अगला दिन का कैंडल ये 2 दिन का पहले वाला का जो कैंडल है इसका अंदर रह गया, मतलब हाई लो का ये जो हाई लो है इसका अंदर रह गया। तो इसका जब इसका हाई लो जो 2 दिन का पहले वाला कैंडल का जब हाई लो ब्रेक होगा तो बहुत ही अच्छा नॉर्मली मिलता है। ये NR4 NR7 भी हुआ है इसमें देखिए, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हुआ है 1 डे का हिसाब से, 2 डे का हिसाब से इंसाइड द बार और NR4 हुआ है, और इधर बेल में 2 डेज का हिसाब से हुआ है NR7 ब्रिटानिया और NR4 NR7 हुआ है। और इधर और भी कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ फॉर्मेशन हुआ है तो मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिए बजाज फिनसर्व में लोअर हाई बंद लगातार 3 दिन से लोअर हाई बंद था है। तो जब ये इसका ये जब ये और भी नीचे जाने का प्रॉबिटी ज़्यादा रहता है जब बजाज देखिए लगातार 3 दिन से ये 3 मतलब रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद ये इधर बाटा इंडिया में हुआ है और बर्जर पेंट भारत पर ये सब आप लोग दूसरे किन्नर में भी मिल जाएगा, लेकिन इधर जो वाइसल लेवल है और इतना सारा और भी फीचर्स है, इतना सारा फीचर्स आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। और बीट में हायर आई हाल दोस्त 3 दिन का हिसाब से हायर आई हाल दोस्त ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसका बहुत ही ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है इसका जब हाई आज ब्रेक करेगा। तो इसके बाद और इधर कुछ देखने का नहीं है, मतलब इतना तो और भी कैंडलस्टिक पर बहुत सारा कैंडलस्टिक पर वो दिखाना चाहता हूँ। तो इधर डोजी का कुछ नहीं बना, इधर इन्वर्टेड हैमर बना है एशियन पेंट में, इसका भी जब ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है, सब एकदम मतलब परफेक्ट नहीं आएगा। इस जो है SEC में ये सब आप लोग SEC ये भी अच्छा चीज़ है SEC इधर में, इधर मास्टर शॉर्ट हुआ है ऑर्डर रिपोर्ट इंदा सरा है ये सब हम लोग देख सकते हैं। इधर बुली सिंगल पिंक इसमें है एशियन पेंट में, देखिए ये बुली सिंगल पिंक ही हुआ है एक्चुअली थोड़ा सा नीचे है सभी समय रियल मार्केट कंडीशन नहीं है, मतलब ट्रेडिशनल कॉन्वेंशनल पैटर्न नहीं बनता है रियल मार्केट कंडीशन में, कुछ पकड़ लेना चाहिए, पकड़ के चलना पड़ता है। इधर सेकआउट बनता है, इधर 50-50 में बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी सब सभी कैंडलस्टिक पैटर्न ही कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे होता है। आप लोग कुछ मतलब मॉर्निंग स्टार